अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेख इम्तियाज और आप देख रहे हैं नॉलेज शेख। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बेहतरीन जिंदगी दो लोगों की है और हदीस पाक के अंदर कौन से दो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और इस हदीस के रावी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी दो लोग गुजारते हैं। उनमें से पहला फरमाया कि जो दूसरों की बात सुनकर अपने अंदर महफूज रखे, अपने पास रखे, दूसरों की बातों को दूसरों तक ना पहुंचाए, लोगों तक उनकी बातों को ना पहुंचाए, बल्कि उनकी जो भी बातें हैं, अच्छाई है या बुराई है, तो वो चीज़ें वो अपने पास रखे। और दूसरा वो बंदा जो बेहतरीन जिंदगी गुजारे वो है एक आलिम जो हक बात कहने वाला हो, वो किसी से ना डरे हक बात कहने में। जब भी वक्त आए तो जब हक बात कहने का वक्त हो तो वो हक कहे, तो ये बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला बंदा होता है। तो ये दो तरीके के लोग हैं जो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुँचा कर सवाब के मुस्तहक बने। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही इस्लामिक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम। खुदा हाफिज़।